अदाबाई नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्पी हैंड चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज हम बड़ोड़ी पंचायत में पहुंचे हुए हैं, जहां पर एक रात की बहुत बड़ी चोरी को चोरों ने सरंजाम दिया है, जो कि काफी जो सामान है वो चोरी हुआ है। और हम बड़ोड़ी गांव में भी पहुंचे हुए, तो जहां पर जो जिनकी दुकान थी वो मेरे साथ मौजूद है, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इनका सामान चोरी हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद, मैं बरोड़ी का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ सुना रात की, आज जहाँ पर चोरी हुई है? जी सर, मैंने शाम को 8:30 बजे शॉप को बंद किया था। अच्छा, कैसे पता चला आपको कि मतलब दुकान के अंदर चोरी हो रही है? किसने बताया? मम्मा ने बताया, जैसे वो बाहर आए और एक टाटा मोबाइल लगी हुई थी और एक मोटरसाइकिल वाला था, तो जैसे मम्मा घर पे गई मेरे को बुलाने के लिए, मैं सोया हुआ था, जगाते जगाते 5 मिनट लगे, जैसे मैं बाहर आया तो टाटा मोबाइल वाला वहाँ से निकल गया था और मोटरसाइकिल वाला भी निकल गया। देखी एक टाटा मोबाइल की और एक मोटरसाइकिल वाला, जैसे मैं आया वो निकली, मैंने गाड़ी निकालते लगे और मैं गया और पेट्रोल टैंक होकर मोटरसाइकिल वालों को मैंने पकड़ लिया, पकड़ लिया जी जी। और टाटा मोबाइल थी वो जो वो भागी, फिर मैं उनके जो मोटरसाइकिल वाला पकड़ा, उनके घर में गया, उनको घर से नहीं, जब आप आगे उनके पीछे तो और भी था आपके साथ कोई? हाँ, मेरे भाई थे। अच्छा, आपके साथ थे? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद? तो फिर उनको हमने बुलाया, वो रुके ही नहीं, बोला वो जानते जानते वो चले गए भागे भागे। फिर उनके घर में गए, जैसे हम उनके पापा को बताया कि ऐसे ऐसे आपका बेटा, नहीं बोला हमारा बेटा तो अंदर सोया हुआ है। मैंने बोला चलो उनको बाहर निकालो अंदर से, अगर वो आपका बेटा अंदर है तो उसको बाहर निकालो। वो अंदर गए देखने, तो बोला नहीं है वो उधर, मिस्त्री लगाओ। मैंने बोला चलो दिखाओ कहाँ मिस्त्री लगाओ। मैंने बोला दोपहर को मिस्त्री लगे। मैंने बोला दोपहर को क्या आगे की बात है, वो उसने दुकान पे ऐसे ऐसी चोरी करवाया तो वो भाग गया है यहाँ, जैसे मतलब फिर हम उधर चले गए आगे उसको गाड़ी को देखने। अच्छा, जब आपको ये पूरा ये मसला हुआ आपके साथ, क्या कोई पुलिस को कोई फोन वगैरह किया आपने उस टाइम? हाँ, उस टाइम मैंने फोन किया उनको 3 बजे, लेकिन मैंने दो तीन बार किया, उन्होंने अटेंड नहीं किया फोन। अच्छा, पुलिस वालों ने कोई फोन नहीं उठाया? नहीं उठाया उन्होंने फोन। अच्छा, कौन से नंबर पे किया? कोई किसी के पर्सनल नंबर? लैंडलाइन नंबर। अच्छा जी, लैंडलाइन नंबर। अच्छा, तो कितना सामान आपका चोरी हुआ है, क्या क्या चोरी हुआ? 40,000 के चावल थे और 4 चीनी के तोड़े थे, 2 सिलेंडर, 1 बड़ा वाला कूलर और कोल्ड ड्रिंक के केस, कम से कम भी 5 केस बड़े और 2-3 और किराने का सामान आ गया। एप्लीकेशन वगैरह दी है एप्लीकेशन में? हाँ सर, मैं एप्लीकेशन दे के आ गया हूँ वहाँ पे। अच्छा। और पुलिस वो लड़के को भी लेके गई है और आगे पुलिस देखते हैं क्या करती है कार्रवाई। अच्छा, किसी लड़के को पकड़ कर भी ले गई है? हाँ, रही बात टाटा मोबाइल की, वो हम उसके पीछे गए और सिक्योरिटी वाले CRPF को जहाँ वो जवान उनका खड़ा रहता है, उन्होंने बोला एक टाटा मोबाइल गई और वो कम से कम भी 80 की स्पीड से गई, वो यहाँ पे नहीं रुकी, तो वो भागी। तो पुलिस वालों ने क्या आश्वासन दिया आपको कि कह रहे हो कि कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ा भी है, तो क्या पुलिस वालों के साथ कैसी बातचीत रही आपकी, क्या उन्होंने कहा है कि क्या कार्रवाई होगी? बोलते हैं हम देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होगी, हम जान सकते हैं। नहीं, पुलिस वालों से आप सेटिस्फाइड हो? नहीं, फिलहाल तो नहीं है अभी सर। नहीं, आपसे भी पूरा उनका तालमेल है या नहीं है ये बताओ कि आपने जो आप इन्वेस्टिगेशन चाहते थे तो वो क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सर, वो तो उन्होंने अभियुक्त को ऐसे लिया कि जैसे उनका भाई है, साथ में भाई को बिठाते हैं ना, जैसे ऐसे लेके गए। अच्छा, उसको साथ में बिठा के पड़ी, तो उधर जब वहाँ पे पहुंचे तो उसको उधर बिठा दिया, बोला हम करते हैं कार्रवाई, आप जा सकते हो, एप्लीकेशन दे दो, हमने एप्लीकेशन दे दिया और हम आ गए अपने। नहीं, आप तो ये भी बता रहे थे बाद में कोई पता नहीं बाहर से कौन फोन कर रहा है आपको पुलिस स्टेशन से कि आप CCTV कैमरे चेक करो। हाँ, हमें अभी फोन आया, राकेश है कोई, राकेश। अच्छा, उसका फोन आया, बोला आप CCTV कैमरे चेक करो। सर, अगर आपने ये नहीं बोला कि CCTV कैमरे चेक करना पुलिस का काम है, हमारा काम थोड़ा है? हमारे पास, हमने थोड़ी चेक करने, वो तो पुलिस का काम है कि हमने कैमरे चेक करने। हम कहाँ से, हमें कौन करने दे रहा है कैमरे चेक? नहीं, बताया आपने उनको कि ऐसा आप बताया कर रहे हो, हमें क्यों राज कर रहे हो, जिसको करना चाहिए तो उसको, हमें क्यों कर रहे हैं? हाँ, बताया मैंने, बोल रहे हैं कि ठीक है, हम देखते हैं। और क्या कहना चाहोगे आप? बस यही है कि चोर मैंने पकड़ के दे दिया है उनको, बाकायदा रात को 3 बजे पकड़ के दिया है और पुलिस का काम है बरामद करवाना मेरा सामान। टोटल कितने का सामान होगा आपका, जो सारा सामान है कितने का होगा? कोई अलग बात, लगभग कोई 70,000 का। सर, जो ये ऐसा ही लेने आया था वो, जब लेके गया उसको और रास्ते में गाड़ी जगह जगह रोक रहा था, पहले तो फर्स्ट में उसने इधर अड्डे में ही रोक दी बरोड़ी में, फिर उसके बाद उधर शाहिंदलाब में, उसके बाद सीधा बरजानी में, उसके बाद भी 5-7 बार उसने गाड़ी रोकते रोकते गया। नहीं, क्यों रोक रहा था? गाड़ी रोकने का क्या मकसद था? क्या गाड़ी रोक? कभी किसी को बिठा रहा था, कभी किसी को बिठा रहा था, एक तो उतारता है दूसरा बिठाता है। नहीं, कौन थे वो जो लोग साथ में बैठ रहे थे, कौन लोग थे वो? नहीं, मैंने मैं बचाता। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि क्यों बिठाया जा रहा? कोई सेटिंग कर रहे होंगे उनसे, जब कुछ ऐसा मसला होगा। अच्छा,
मतलब मुरजम को लेके अगर जा रहे हैं तो रास्ते में 10 जगह गाड़ी रोकी थी। जी 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 10 बार। अच्छा ठीक है। ये थे नदीम जी, हम बड़ोड़ी में अभी पहुंचे हुए थे। दुकान में काफी चोरी हुई है, काफी इनका नुकसान है, 70,000 के करीब इनका सामान था। लेकिन ये तो एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसके बाद पता चलेगा कि चोर कौन है। लेकिन इन लोगों का यही आरोप है कि जिसको पकड़ाया है चोर है या नहीं है। लेकिन उनके साथ इतना मतलब हमदर्दी उनको क्यों थी? एक एसआई आए थे जहां पर एएसआई, उन्होंने उसको इसको बड़े अच्छे तरीके से उसको अंदर में बिठाया जाके, जैसे कोई उसके कोई पता नहीं खास रिश्तेदार है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का मुझे नहीं लगता है कि जो पुलिस है उसका ऐसा काम बनता है। लेकिन ये जो साथ में लोग गए हुए थे उनको मुझे लगता है कि बैठने तक के लिए नहीं कहा गया जो कंप्लेन लेकर गए थे। लेकिन जो लड़के को पकड़ कर लेके जाया गया उसके साथ इतनी हमदर्दी क्यों थी? पुलिस को अंदर लेके बड़े प्यार से बैठाया, जहां पर जो मुंशी का रूम है वहां पर बैठाया गया। कोई मुझे नहीं लगता है कि पूछताछ अभी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि पुलिस का ये काम है कि इन्वेस्टिगेशन करे, चोरों को पकड़े, क्योंकि आए दिन ऐसे बहुत से किस्से होते हैं कि चोरों को पकड़ा जाता है और कुछ टाइम के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कि बिल्कुल फ्री और फेयर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो चोर है, हम नहीं कहते हैं कि इनके कहने पे आप लोगों को पकड़ो, लेकिन जो चोर है वो पुलिस जो है वो आराम से पकड़ सकती है। लेकिन सीसीटीवी कैमरे की जहां तक सवाल है वो ये थोड़ा चेक करेंगे जिनकी चोरी हुई है। पुलिस वाले फोन करके, बाकायदा मैं भी इधर ही था, पुलिस वाले फोन कर रहे हैं, कोई राकेश नाम का आदमी था, कोई पुलिस में जो था, कोई मुंशी है या कौन है हमें नहीं पता है, इसको फोन किया मेरे सामने कि सीसीटीवी कैमरे चेक करो। वो सीसीटीवी कैमरे चेक करना लोगों का काम है, वो पुलिस का काम है जो सीसीटीवी कैमरे चेक करना है। लेकिन इनको बोला जा रहा है कि आप इनके कैमरे चेक करिए। और जब ये सुबह वहां जाते हैं तो जो एएसआई जो जहां पर आया था उस द्वारा भी इनके साथ मुझे लगता है कि अच्छा बिहेव नहीं किया गया। उन जो कल्प्रिट फिर भी अच्छे तरीके से जो पेश नहीं आया गया, तो हम एसएसपी सांबा से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन खास तौर पर जो गांव है, जैसे इर्द गिर्द के गांव है, वहां पर कुछ ना कुछ पुलिस की कोई गश्त वगैरह होनी चाहिए ताकि लोग जो है वो राहत की सांस ले सके। क्योंकि बहुत से लोग जो है वो रात पूरी पूरी रात जहां पर बैठे रहते हैं, पूरी पूरी रात जहां पर यही सुनने में आया है कि मुर्गे वगैरह बनाए जाते हैं, लोग फोन करते हैं लेकिन कोई जहां पर नहीं आता है। तो मैं दोबारा एसएसपी सांबा से, डीएसपी बड़ी ब्राह्मणा से, एसएचओ बड़ी ब्राह्मणा से यही अपील करता हूं, जो लोग जिनको ड्यूटी पे आपने लगाया हुआ अगर नेग्लिजेंसी बरत रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस गरीब की, जो गरीब इसी के ऊपर डिपेंड था, क्योंकि ये दुकान के ऊपर ही डिपेंड थी पूरी फैमिली, तो हम ये चाहते हैं कि इनको इंसाफ दिया जाए। क्योंकि पुलिस चाहे तो चोर को मुझे लगता है कि जमीन से भी निकाल सकती है। तो अगर ऐसे, मेरे लगता है कि अगर ऐसे लोग जो चोर हैं अगर वो जल्दी पकड़े जाएंगे तो मुझे लगता है कि लोग भी राहत की सांस लेंगे। नहीं, थैंक यू, शुक्रिया।